बिली मार थोड़ा 1290 थोड़ा सा पुल ज्यादा है, ये वाला पाइप टूटा हुआ था। साउंड नहीं आ रहा? नहीं, रिस्पॉन्स तो आ रहा है लेकिन खतरनाक है। परफेक्ट लग रहा है अभी बाइक मेरे को, छपरी बन गया मैं, छपरी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम आ चुके हैं हैरिस के घर में और पीछे देख सकते हैं उसका बाइक है और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो देख सकते हैं क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमको हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे अपना जो हैरिस का बाइक है, इधर टंकी खुल चुका है, तो अपना हैरिस भाई नंबर वन है एक्सपेरिमेंट करने में। एनी टाइम वही सब करते रहता है अपना बाइक में, तो हम भी उसको देख देख के सीख रहे हैं। तो गाइस आपको बता दूं, देख सकते हैं ये अपना जो इरिडियम लेजर इरिडियम का स्पार्क प्लग है, तो हैरिस का बाइक में चेंज हो रहा है, तो देखते हैं ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब टंकी खुल रहा है, उसके बाद हम लगा के देखेंगे। इसका सॉकर तो अभी तक आया नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर किया, मतलब सर्विस सेंटर से ऑर्डर किया हुआ था, तो अभी तक आया नहीं है ना हैरिस? नहीं आया है ना, टाइम लगेगा, और एक हफ्ता जैसा लगेगा, तो देखते हैं कब तक आ रहा है। इधर अपना टंकी खुल चुका है, ये बात हैरिस के पीछे लगाएंगे अभी इसको ना, उसके बाद हम पीछे बैठेंगे। तो इसका हम पहली बार देख रहे हैं अभी। अच्छा, इसका अच्छा दिया है वैसे तो, अंदर देखिएगा अंदर था कुआं जैसा है ना, देख तो जो कि स्क्रीन जैसा हो जाएगा। अच्छा, उसको खोलना पड़ता है एक्स्ट्रा, इधर लगा है, देखते हैं केटीएम वाला का लगा के दिया है इधर, और नया वाला और पुराना वाला को देखना हुआ कैसे बराबर है कि नहीं है स्पार्क प्लग। तो इतना खाई हड़ पड़ता है, अरे बाप रे ऐसा है, अरे भाई रे इतना कुआं अंदर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तेरा तो अजीब है भाई, मेरा अच्छा दिया है तब तो, 250 में अच्छा दिया है, पूरा नीचे बहुत नीचे, वो पाइप को दिखा सर, रुके यार अंदर तक जाएगा कि नहीं, ये लो पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा हाँ? नहीं पहुंचा, ये लो बैठी सीधा वाला लो पूरा, और लंबा चाहिए, इधर से खुलता है कि उधर से खुलता है, इधर से खुलेगा, तो इधर ऐसे मत, इधर से नहीं, नहीं इधर से पूरा घुस जाएगा, अंदर रह जाएगा वो। अच्छा, ये वाला ना, हाँ पूरा देखिए ना, इसको देखिए देखिए, और अंदर जाएगा, और लंबा चाहिए यहाँ पे, और कुछ टूल लगा है अरे ना। तो अभी अपना स्पार्क प्लग खुल चुका है, दिख नहीं रहा है, बहुत अंदर है, जिन में भी कुआं बना के रखा है, खुल गया ठीक, और खुलेगा, गाड़ी के साथ लेकिन देना चाहिए था उसको, हाँ टोल देना चाहिए, 390 में दिया नहीं है गाइस, ये अपना जो स्पार्क प्लग खोलने वाला टूल 250 में दिया है, 390 में नहीं दिया है, ये गलत बात है, बहुत तो कम दिया है ना टूल 390 में, वो तो कम है, देखे थे कल, ढीला तो हो गया, रबर रबर फंसा, निकल जाएगा अभी, निकल जाएगा रबर, वो ढीला है, वो ढीला, तो गाइस देख सकते हैं खुल चुका है, वो तो ढीला हो गया है, अभी देखते हैं निकल रहा है कि नहीं, तो देखा देख, लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, लग रहा है तो मॉडल भी लिखा होगा सब, ये बॉच की का कंपनी का है, बॉस 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 फैशन, बॉस बोलते हैं, बॉस बॉस BOOSH है लेकिन उधर ना रोड कटर देखी तो ड्रिल मशीन चला के देख सकते हैं, इसका जो अपना स्टॉक वाला जो टिप है ये थोड़ा फ्लैट है, और ये अपना जो इरिडियम लेजर इरिडियम का थोड़ा नुकीला है, तो डिफरेंस पता चल रहा है यहाँ पे, अभी देखते हैं लगा के,
अपना जो नया वाला को ले लगा के दे, पीस से करेंगे। ये पूरा जल के पूरा काला हो गया है, इधर भी इसको लगा लगा काला हो गया है, इसको रखे रहना तो काम आएगा। अभी लगा, अभी टाइट कर दे तो अपना ये जो नया वाला है लग चुका है स्पार्क प्लग। टाइट करना बस है, अभी बस टाइट करना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जुगाड़ काम चल रहा है। ये जो पाइप है यहाँ पे एयर इनटेक होता है, तो ये चीज़ पूरा ढीला हो गया था, अभी हम नोटिस किए, हैरिस भी अभी नोटिस किया। तो यहाँ पे मेरे को लगता है ना, जब हम इसको राइड किए थे पिछले वाला वीडियो जो देखा होगा उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था हेड से। मैं जो इंजन हेड से, तो मेरे को लगता है यही चीज़ से शायद साउंड हो रहा था। ये पूरा ढीला हो गया है, उसका लॉक टूट गया है, तो यहाँ पे तार बांध के टूट नहीं गया है। हाँ टूटा है जी, यहाँ पे देखना टूट नहीं गया है, तोड़ा है। हाँ जो भी तोड़ा है उसको, तोड़ा है वो, खुला था वो। हाँ ये सर्विस के टाइम ये चीज खुला था तो तोड़ दिया है बोल के बोल रहे हैं अपना हरीश भाई, मेरे को भी नहीं पता उतना। तो वो मैडम था ना, मेरे को देखने नहीं दिया गाड़ी का, वो मैकेनिक से बात नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं अंदर में बैठ गया तो इसको खोला था, स्पार्क प्लग तो सेंटर में है ना। हाँ। तो फिर इसको काहे खोलने गया, वही तो उनको पता नहीं था शायद। तो जो भी हो तोड़ा था फिर टूटा है, जो भी हो, लेकिन अभी जुगाड़ कर रहे हैं और इसको पूरा लगा के देखेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे। अगर वो साउंड नहीं आया तो अच्छी बात है, हम सोचेंगे कि यही वाला चीज साउंड आ रहा था, और फिर भी साउंड आया तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगा अलग से। और बोलता था, क्या बोलता था, एयर इंटेक बढ़ गया थर्ड साइड, इसके बाद कैसे बढ़ा, ज्यादा बड़ा छेद हो गया कि क्या हो गया उधर। थर्ड सर्विस पर ऐसा ही होता है सारी गाड़ी में, बोलता है। हम लोग का गाड़ी में तो नहीं हुआ। हाँ? मेरा गाड़ी में तो नहीं हुआ। 390 का। अच्छा 390 का, ऐसे ही होता है। ओहो, हमको कहा मालूम है, उतना नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में। आप मैकेनिक साउंड का फिक्स करो बोलने से नहीं होते। तो देखते हैं ये चीज अभी फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख सकते हैं अपना ड्यू 390 भाई, व्हीली मार थोड़ा। स्टार्ट करेगा तब ना उठेगा आगे चक्का, फ्यूल गिर रहा है। तो देख सकते हैं चाबी तो नहीं, चाबी नहीं, पूरा बाइक पूरा नंगा हो चुका है। बस इतना ही गाड़ी में और कुछ नहीं है। तो अभी स्पार्क प्लग तो लग चुका है, अभी हम टंकी को फिटिंग करेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे। चलो देख सकते हैं 1290 1390 मेरा बाप आ गया ना, क्या कर रहे हो? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देखते आराम से, आराम से, धीरे धीरे। तुम कहाँ कहाँ घुसा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है। लगा ले, लगा ले। तो अभी टंकी को लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं, टेस्ट करेंगे। सारे भाई लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपना टैंक को फिटिंग करने में। टीम वर्क यहाँ पे चल रहा है, बस लग जाए उसके बाद उड़ाएंगे, पूरा उड़ाएंगे तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि सॉकर अपना चेंज नहीं हुआ है। साइड का नहीं लगाया ना, अभी सब रेडी हो चुका है, अभी जा रहा है टेस्टिंग के लिए। स्पार्क प्लग अभी चेंज किए हैं, अब फर्स्ट ड्राइव इससे देखते हैं। हाँ हाँ कुछ अंतर है पावर में थोड़ा सा, थोड़ा पुल जल्दी कर रहे हैं पहले से। सही है गलत
थोड़ा सा कूल ज्यादा है कर रहा है जल्दी। आगे से उठने के लिए सोकर गया है, नहीं तो दौड़ा के दिखा दे कि सोकर भी गया है ना पीछे वाला, ये देखो एक तो साउंड आ रहा है इधर नीचे से, इंजन के हेड से शायद आ रहा था, बोल रहा था, लेकिन उधर वो एयर इनटेक वाला पाइप है वो शायद तोड़ दिया होगा, वो जो खोलने के टाइम थर्ड सर्विस नहीं खोल नहीं जाना ठीक से, अभी थोड़ा साउंड कम आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा अभी से, पावर ठीक है, पावर ठीक अभी ठीक है, चलो कुछ तो सही हुआ। ये वाला पाइप टूटा हुआ था, मतलब उसका लॉक्स इधर से थर्ड सर्विस किया उस टाइम, जुगाड़ करके इधर तो बांधे हैं। अभी साउंड नहीं आ रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं चला के देखिए ना पता चल जाएगा। अभी मेरा बारी है चला। हाँ सो गाइस लेट्स टाइम टू टेस्ट, तो देखते हैं अभी हम चला के, हैरिस तो चला के आ गया, अभी मेरा बारी है। ओ भाई रिस्पॉन्स तो आ रहा है लेकिन खतरनाक, थोड़ा सा हल्का सा थ्रोटल देने से पूरा खतरनाक रिस्पॉन्स दे रहा है। ओ भाई क्या ही खतरनाक रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गाइस इसमें लग चुका है अपना इरिडियम स्पार्क प्लग KTM Duke 390 में, हैरिस का बाइक में, तो अभी पता चल रहा है फ़र्क, बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स आ रहा है। ओ भाई सही में, और वो जो साउंड आ रहा था जो पिछले वाले वीडियो में आप सबको पता होगा, हैरिस का बाइक में साउंड आ रहा था और रंजन का बाइक में भी साउंड आ रहा था। तो वो चीज़ अपना जो ये एयर इनटेक पाइप है इधर लेफ्ट साइड में उसी से आ रहा था, क्योंकि वो ढीला हो गया था, अभी उसको वायर से बांध दिए हैं तो अभी साउंड नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ सर्विस सेंटर वालों को ध्यान देना चाहिए, वही लोग कुछ किए होंगे नहीं तो इतना ढीला नहीं होता। तो हैरिस तो बोल रहा था तोड़ दिया है बोल के, तो अब भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है सर्विस सेंटर वालों से थोड़ा ध्यान से काम करा करिए, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई पूरा ये स्पॉन्ज मतलब सॉकर ख़राब है ना, तो थोड़ा बहुत ही खतरनाक उछल रहा है, मज़ा सा आ रहा है, थोड़ा चलाना तो नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, ख़राब है सॉकर, फिर भी हम थोड़ा टेस्ट करने के लिए चला रहे हैं। ओ भाई आवाज़ जैसा भाग रहा है भाई, रॉकेट रॉकेट जैसा भाग रहा है पूरा खतरनाक। अभी सही हो गया, पूरा परफेक्ट लग रहा है अभी बाइक मेरे को, बाकी हैरिस को कैसा लग रहा है नहीं पता, थोड़ा पेट्रोल नहीं है इसलिए थोड़ा बंद हो जा रहा है, तो भाई अभी अच्छा लग रहा है चलाने में, अभी सही लग रहा है। छपरी बन गया मैं छपरी, तो अभी अच्छा लग रहा है, अभी सही लग रहा है, अभी थोड़ा नहीं आ रहा है ना, नहीं अभी थोड़ा स्मूथ फील हो रहा है, अभी तेरा सॉकर आएगा तो फिर रोला जमेगा तेरा, नहीं ये दे। अच्छा ये वाला ना पूरा पूरा ब्लैक कर दिया, तो देख सकते हैं हेडलाइट पूरा ब्लैक कर दिया है, ठीक से नहीं हुआ फिनिशिंग, नहीं हुआ। हाँ फिनिशिंग तो नहीं हुआ है, इधर निकल जाएगा मेरे को लगता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, विंड ब्लॉक। तो अभी ये हेडलाइट भी लगेगा बाइक में, ले पकड़, अभी परफेक्ट हो गया बाइक थोड़ा, अभी मजा आ रहा है।